जब देश में मोदी विरोध के नाम पर बने गठबंधन के लोग भाग रहे हों इधर उधर, तो फिर यह क्यों ना माना जाए कि नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तोड़ जीत की तरफ बढ़ रहे हैं 2024 में। लेकिन बात सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ जीत की नहीं, नरेंद्र मोदी का टारगेट इससे भी बड़ा है और यह टारगेट है 400 पार का, जिसके बारे में आप पहले से सुनने तो लगे हैं। लेकिन क्या 400 पार अचीव करना मुमकिन है नरेंद्र मोदी के लिए? आज पाठशाला में मैं आपको बताऊं यह होगा तो कैसे होगा, नरेंद्र मोदी की क्या रणनीति है, रामलला के आते ऐसा क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी 400 के आंकड़े को पार कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आज इसको डिकोड करेंगे, देश की इस पूरी पॉलिटिक्स जो इस वक्त चल रही है उस पॉलिटिक्स को समझते समझते। पहले आप देखिए कि स्थितियां कैसे नरेंद्र मोदी के पक्ष में मुड़ती चली जा रही है। पहली बात, इंडी गठबंधन बिखरता चला जा रहा है, नीतीश कुमार चले गए, ममता, केजरीवाल, अखिलेश सब अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, इंडी गठबंधन कहने को रह गया जो बना ही था नरेंद्र मोदी को हराने। दूसरी बात, एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है, अब नीतीश कुमार आ गए, अकाली वाले कभी भी आ सकते हैं यह भी कहा जा रहा है। तीसरी बात, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से देश भर में जबरदस्त राम लहर है और साथ में नरेंद्र मोदी की भी लहर है। आप संयोग देखिए कि जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से कैसे पीएम मोदी के पक्ष में अजब संयोग बनता चला जा रहा है। आप याद है आपको 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से आप देखिए एक हफ्ते के अंदर क्या क्या नहीं हो गया, फिर मैं आपको आंकड़े बताऊंगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई, 23 जनवरी को ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि बंगाल में वो अकेले लड़ेंगे, यानी बंगाल में पूरा गठबंधन मिल जाएगा, नरेंद्र मोदी को हराएगा, वो मामला ही रामलला के आते सेट हो गया, खत्म, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मिलकर ये लोग नहीं लड़ पाएंगे, ममता बनर्जी ने 23 को कह दिया। 23 जनवरी को ही भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो वहां भी मामला इंडी गठबंधन का बिगड़ गया रामलला के आते ही। 26 जनवरी को राहुल की यात्रा को बंगाल में कुछ हिस्सों में इजाजत नहीं मिल पाई, तो पब्लिक ने वो भी देख लिया कि बॉस क्या ही ये लोग सहयोगी हैं। राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में ही कई जगहों पर इजाजत नहीं मिली। अब आप बताइए ये बीजेपी शासित राज्य में हो जाता तो ये लोग कहते कि लोकतंत्र खत्म हो गया। 28 जनवरी को बिहार में सरकार ही गिर गई, वो सरकार जिसके एक वक्त शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने रामचरितमानस को लेकर क्या क्या नहीं कहा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि पैर टूटेगा तो अस्पताल जाइएगा कि मंदिर जाइएगा, अब तो सरकार गिर गई, अब कहां जाइएगा बॉस। और नीतीश कुमार एनडीए में चले आए। 29 जनवरी को कांग्रेस ने कह दिया कि अखिलेश से मिली 11 सीटें यूपी में अभी फाइनल नहीं। 22 तारीख को आप देखिए रामलला आए हैं और एक हफ्ते के अंदर नरेंद्र मोदी के विरोधी जो है वो तहस नहस होते जा रहे हैं। अब यह संयोग है या क्या है पता नहीं, लेकिन यह हो रहा है। और यह बात प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि उन्होंने जो 400 प्लस का टारगेट सेट किया है वो कहने में तो बहुत ज्यादा है बॉस, 400 प्लस कोई मामूली बात है, ये वैसे है कि आप T20 में कह रहे हैं कि हम 300 मारेंगे। अरे बॉस मारने को मार दीजिएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है T20 में 300 मारना। वैसे ही 400 प्लस सीट लाना पॉलिटिक्स में इतना आसान नहीं है, छोटे मोटे चैलेंज तो पीएम मोदी हालांकि लेते भी नहीं है। पीएम मोदी का 400 प्लस का टारगेट कितना प्रैक्टिकल है और इसके लिए क्या क्या माहौल बन रहा है, इस टारगेट को पूरा होने के कितने चांसेस हैं, हमने इसको जरा एनालाइज किया और आज इसीलिए आपके सामने सारी बातें सिलसिलेवार ढंग से रखूंगा, आपको भी समझ में आएगा कि देश में क्या चल रहा है। देखिए, अगर बीजेपी को नरेंद्र मोदी को 400 प्लस का टारगेट पूरा करना है तो उसकी यह भी कोशिश रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, क्योंकि जितने ज्यादा सीटों पर वो अकेले लड़ेगी बीजेपी उतने ही उसके जीतने के चांसेस रहेंगे। अभी ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी इस बार अपना सियासी इतिहास में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। साल 2014 में बीजेपी ने 543 में से 427 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे थे और उसे 282 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 में बीजेपी ने 436 सीट पर उम्मीदवार उतारे और 303 सीट जीती, यानी बीजेपी ने 2014 के मुकाबले 2019 में 9 सीटों पर ज्यादा चुनाव लड़ा और 2014 के मुकाबले 21 सीटें उसे ज्यादा आई। 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, यानी एक सीट पर एक्स्ट्रा लड़े तो करीब 2 सीट ज्यादा जीते। इस पैटर्न से यह पता चलता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी खुद अपने चुनाव लड़ती है उतना ही उसे फायदा होता है। और इसीलिए ऐसी खबरें हैं कि इस बार बीजेपी 475 से लेकर 500 सीट तक पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और अगर पिछले 2 चुनाव का पैटर्न देखें तो 500 प्लस 400 प्लस का टारगेट मुश्किल लग सकता है।
लेकिन बॉस ये असंभव नहीं है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, अभी आपको पूरा फैक्चुअली आंकड़े के जरिए बताऊंगा। और ये पाठशाला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है बॉस, आप देखिए किस तरह से समीकरण बन रहे हैं, क्या गणित है, आज पूरा आपको मैथ्स की क्लास में समझाऊंगा। अब ये समझिए कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो 400 प्लस का टारगेट रखा है उससे अभी बीजेपी कितनी दूर है और कितनी पास। जैसे अगर आप देखेंगे कि अभी की स्थिति क्या है, नरेंद्र मोदी का जो 400 प्लस का टारगेट उन्होंने रखा हुआ है उससे अभी वो कहां बैठते हैं, 400 प्लस सीट, इससे दूरी कितनी है बॉस, 2019 में एनडीए को यानी नरेंद्र मोदी प्लस सहयोगी इनको कितनी सीटें आई थी, 353 सीटें, तो 350 तो एनडीए पहले ही पार कर चुका है। अभी मौजूदा ताकत कितनी है, मौजूदा ताकत एनडीए की कितनी है, 349, क्योंकि इसमें अभी 333 है प्लस 16 सांसद जेडीयू के, ये भी इसमें आ गए, तो ये लोग 349 पर पहुंच गए। अगर ये मान लिया जाए कि एनडीए 2019 के प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब रहेगी तभी भी 400 प्लस के टारगेट से, यानी ये जो 400 प्लस का टारगेट है इससे अभी भी आप मान के चलिए कि यही अगर इन्होंने अचीव भी कर लिया तो -51, यानी इसमें अगर आप 51 जोड़िएगा तब ना 400 होता है बॉस, तो अभी 51 सीट कहां से आएगी। इसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसमें उन सीटों पर भी फोकस है जहां बीजेपी नंबर दो पर रही। अब ऐसी कौन सी सीटें हैं बॉस, अगर आपको वो बताऊं 2019 का अगर आप आंकड़ा देखिएगा, 2019 लोकसभा चुनाव 72 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी नंबर दो पर थी, यानी बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी है 72 सीट पर। इन सीटों पर अगर बीजेपी का वोट 5% बढ़ा, वोट बीजेपी का 5%, तो बीजेपी इन 72 में से 38 सीट जीत जाएगी, 38 सीट जीत सकती है मात्र 5% वोट बढ़ाने में। हालांकि 5% वोट इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी की लहर में, राम लहर में 5% वोट इन 72 सीटों पर बढ़ा ले तो उसको सीधे सीधे 38 सीट उसमें जुड़ जाएगी। अब अगर इस 38 को यहां 349 में जोड़िए तो 349 प्लस 38 तो ये कितना बैठता है, 387 बॉस, यानी 387 तो ऑलरेडी होता हुआ दिख सकता है, बस 5% वोट शेयर इधर उधर। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी पिछली सीटें भी बचानी है। अब भी 400 प्लस के टारगेट के लिए 14 सीटें हालांकि कम है, मौजूदा राजनीतिक तस्वीर देखेंगे तो ये 14 सीटें विपक्ष खुद बीजेपी को सौंपता दिख रहा है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको बताता हूं इसकी वजह। इसमें 11 सीटें तो यूपी की हो सकती हैं जो अखिलेश यादव कांग्रेस को देने को तैयार है। यूपी में पिछली बार मायावती और अखिलेश यादव साथ लड़े जिस वजह से 80 में से एनडीए की सीटें 73 से घटकर 64 पर आई, लेकिन इस बार मायावती और अखिलेश अलग अलग लड़ रहे हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा और यूपी में 2019 में हारी हुई 16 सीटों पर जीत हासिल करने का मौका बढ़ जाएगा। ऊपर से उत्तर प्रदेश में राम लहर है, तो 80 में से 75 से 80 के बीच बीजेपी को सीट आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो 10-11 सीट तो उधर ही बढ़ सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2019 में शिवसेना 18 सीटें जीती थी, एनसीपी 4 जीती थी, लेकिन इस बार शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियों का बड़ा गुट बीजेपी के साथ आ गया है। भाई वो शिंदे वाला गुट इधर आ गया, अजीत पवार वाला भी आ गया, तो इसका फायदा चुनाव में एनडीए को मिल सकता है। 2019 में एनसीपी बीजेपी के साथ एनडीए में नहीं थी, फैक्टर भी एनडीए के पक्ष में जाएगा, यानी महाराष्ट्र जहां बड़ी संख्या में सीटें हैं, 40 प्लस सीटें हैं, वहां पर भी बीजेपी के लिए काम आसान हो रहा है। इसके अलावा इंडी गठबंधन की कमजोरी का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जैसे बंगाल और पंजाब में गठबंधन नहीं हो पा रहा, बिहार में तो खेल ही खत्म हो गया इनका, पंजाब में 13 सीटें, 2019 में कांग्रेस को वहां 8 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 1 सीट, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पंजाब में कमजोर हो गई और आम आदमी पार्टी कांग्रेस की गठबंधन की जो बात चल रही थी वो भी नहीं होने वाला। दूसरी तरफ बीजेपी और अकाली दल के फिर से साथ आने की खबरें तेज हो रही हैं, ऐसे में कुछ सीटें पंजाब से भी आ सकती हैं। इन सब फैक्टर्स को एक साथ देखेंगे तो 400 प्लस के टारगेट के लिए जो 14 सीटें कम दिख रही हैं वो हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती नहीं दिख रही बीजेपी की। राम मंदिर का माहौल और देश की बेहतर आर्थिक स्थिति होने की वजह से पीएम मोदी के सामने कोई सत्ता विरोधी भयंकर लहर भी अभी नहीं दिख रही।
बीजेपी ने इस बार 50% प्लस वोट शेयर का भी टारगेट रखा है, कभी 400 सीट लानी और 50% से ज्यादा वोट लाना है। वोट शेयर का गणित क्या कह रहा है वो भी आपको दिखाता हूं, उससे भी आपको समझ में आएगा कि भाई बीजेपी कहां पहुंच सकती है, नरेंद्र मोदी कहां पहुंच सकते हैं। 50% प्लस वोट शेयर, ये दूसरा टारगेट है नरेंद्र मोदी का, 400 से ज्यादा सीट, 50% से ज्यादा वोट। 2019 में क्या हुआ था भाई, ये बीजेपी के लिए बता रहा हूं आप, 2019 में 224 सीट जीती बीजेपी ने, और 224 सीटें ऐसी थी जहां पर 50% प्लस वोट बीजेपी को आया, वोट मिला था बीजेपी को। 224 में से सीटें ऐसी थी बीजेपी की 2019 में जहां पर 50% से ज्यादा वोट आया था, यानी 48 सीट बहुमत से कम। 2014 में यह सीट कितनी थी ऐसी जहां 50% वोट आया था बीजेपी को, 136 सीट ऐसी थी जहां 50% प्लस वोट बीजेपी को था, 136। तो आप देख रहे हैं कितना मैसिव जंप आया, जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोट हासिल कर पाई, 136 2014 में, वो बढ़ के 224 हो गया, यानी प्लस 88 सीट, 88 सीट बढ़ गई। और अभी तो राम लहर है, अब ये देखिए कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ेगा तो उसकी सीटें कैसे बढ़ेंगी, ये भी आपको देखना चाहिए। वोट परसेंट बढ़ेगा तो कितनी सीट बीजेपी को, ये भी आपको बता देता हूं, पूरा कैलकुलेशन ये बीजेपी का बता रहा हूं, कितनी सीट। 2014 में बीजेपी का शेयर कितना था, 30% वोट मिला था बीजेपी, और 2019 में कितना था बीजेपी का वोट शेयर, 2019 में बढ़कर 37.4% वोट शेयर हो गया था बीजेपी का, यानी 2019 में 2014 की तुलना में बीजेपी को कितना वोट प्लस बढ़ा, 6.4% बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया था, 6.5%। यानी अगर 2019 के रिजल्ट का हम एनालिसिस करें तो हर 1% वोट बढ़ने पर बीजेपी की सीटें भी कितनी बढ़ेंगी वो आपको बताता हूं, क्योंकि 2019 में बीजेपी को सीट कितनी आई थी, 303, ये 303 सीट बीजेपी को आई थी। तो अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिए कि बीजेपी का 1% वोट शेयर बढ़ता है तो उसकी कितनी सीटें बढ़ती हैं, और इसको अगर आप 2024 के लिहाज से देखना शुरू कीजिए, तो अगर बीजेपी का 1% वोट बढ़ा तो बीजेपी को कितनी सीट आएगी आपको पता है, बीजेपी को आएगी 310 सीट, 1% वोट भी अगर बीजेपी का इस बार के चुनाव में बढ़ गया। लेकिन अगर बीजेपी का वोट शेयर 2% बढ़ा तो बीजेपी की सीटें बढ़कर 316 हो जाएंगी। अगर बीजेपी का वोट प्रतिशत 3% बढ़ा तो बीजेपी का सीट जो है, बीजेपी की सीटें 323 पर पहुंच जाएंगी। अगर बीजेपी का वोट शेयर 4% बढ़ा तो बीजेपी को 334 सीट मिल जाएगी बॉस, 334 अकेले अपने दम पर। और अगर बीजेपी ने 5% का गेन अगर वोट शेयर में कर लिया तो बीजेपी 342 सीट पर पहुंच सकती है, यह आकलन है 342 अगर 5%। और आप देखिए पिछले ही चुनाव में बीजेपी 6.5% का गेन कर चुकी है 2014 के मुकाबले, 2019 में बीजेपी को 37.5% के करीब वोट मिला। अगर इसमें हम ये 5% जोड़ दें तो बीजेपी करीब कितने वोट शेयर पे पहुंचती है, 43.4%। यानी 50% का जो टारगेट है उससे बीजेपी अभी भी करीब 6.5% वोट शेयर कम, और ये आज तक किसी को नहीं मिला है 50% वोट शेयर। 1984 में कांग्रेस को 48% वोट मिला था। लेकिन आपके मन में भी सवाल होगा कि अगर बीजेपी को 50% वोट मिल गया तब कितनी सीटें आएंगी, 50% वोट अगर बीजेपी को मिला तो बीजेपी की सीटें कितनी आएंगी, सीटें कितनी आएंगी आपको पता है बीजेपी को, गेस कीजिए। कैलकुलेशन के हिसाब से अभी बीजेपी 37.5% के आसपास, 50% के लिए उसको 12.6% वोट शेयर और चाहिए, जो इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर यह हुआ
तो आपने देखा कि 5% वोट बढ़ने पर बीजेपी की सीटें 303 से बढ़कर 342 हुई, यानी 39 सीट का इजाफा हुआ, जो भी आपको पहले मैं दिखा रहा था। आसान भाषा में कहिएगा तो बीजेपी का 1% वोट बढ़ने पर करीब 7 से 8 सीट का इजाफा होता है। तो इसीलिए अगर ये जो 12.5% के करीब वोट शेयर बढ़ गया तो बीजेपी को करीब 98 सीट का गेन होगा अभी के मुकाबले। और बीजेपी के 98 गेन का मतलब है 303 प्लस 98 इज इक्वल टू 401 सीट, यानी बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर जाएगी अगर उसको 50% वोट शेयर मिल गए। और उस 50% वोट पाने के लिए बीजेपी को यह 12.6% का गेन करना होगा। तो यह इतना आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की रणनीति को देखकर यही लग रहा है कि अगर वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उस पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार के एग्जिट के बाद सब सन्नाटे में है।